गाइज, एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ नया देखने को भी मिलता है। जिसमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद आप खुद पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि आईफोन अपनी डिस्प्ले को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है और वो क्लेम करता है कि उनके फोन की डिस्प्ले दूसरे फोन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो क्या होगा जब एक आईफोन की डिस्प्ले के ऊपर 100 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाएगा? क्या ये आईफोन की डिस्प्ले मेटल बॉल की हीट को सहन कर पाएगी? और क्या होगा जब श्रेडिंग मशीन के अंदर सिलेंडर को डाल दिया जाएगा? क्या ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा या इसमें आग लग जाएगी? और गाइस, तब क्या होता है जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डाल दिया जाता है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है 1000 डिग्री मेटल वॉल वर्सेस आईफोन। गाइस, क्या होगा जब एक आईफोन की डिस्प्ले के ऊपर 1000 डिग्री मेटल वॉल को रख दिया जाएगा? गैस के डिस्प्ले पर मेटल वॉल की हीटिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले एक मेटल की बॉल को 1000 डिग्री तक गर्म कर लिया गया। उसके बाद एक वर्किंग आईफोन को लिया गया जिसकी सारी चीजें अच्छे से काम कर रही थी। और फिर जब इसी आईफोन के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा गया, तो जैसे ही डिस्प्ले के ऊपर इस मेटल बॉल को रखा गया, इसका कुछ समय तक तो डिस्प्ले के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद आईफोन की डिस्प्ले के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट आने लगता है और आईफोन में खुद ब खुद कुछ फीचर्स खुलते चले जाते हैं। उसके बाद जब थोड़ी देर तक आईफोन की डिस्प्ले के ऊपर इस मेटल बॉल को रखे छोड़ दिया गया, तो इसकी डिस्प्ले में एक बड़ा सा ब्लैक स्पॉट बन जाता है और डिस्प्ले के बीचों बीच में आग भी लग जाती है। लेकिन आईफोन में जितनी जगह पर ये ब्लैक स्क्रीन थी, सिर्फ उतनी ही जगह की स्क्रीन सही से दिखाई नहीं दे रही थी, बाकी के पूरी स्क्रीन में सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर तक जब इस मेटल की बॉल को आईफोन के ऊपर रखकर छोड़ दिया गया, तो धीरे धीरे ये ब्लैक स्पॉट आईफोन की पूरी डिस्प्ले पर पड़ जाता है। और फिर उसके बाद जब इस डिस्प्ले के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 3-3 मेटल बॉल को रख दिया गया, इसके बाद तो आईफोन की पूरी डिस्प्ले ही खराब हो जाती है और आईफोन में आग भी लग जाती है। नंबर 9 पर है कलरफुल रेन। गाइस, इस अमेजिंग एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले ग्लास में ऑयल ले लेना है। उसके बाद आपको इसी ऑयल के अंदर 3-4 कलर्स को डाल लेना है और फिर उसके बाद इन्हें अच्छे से ग्लास में मिक्स कर लेना है और फिर इसी कलर में मिक्स हुए ऑयल को सिंपली आपको पानी के ऊपर डाल देना है और फिर ये ऑयल पानी के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको पानी के अंदर कलरफुल रेन देखने को मिलेगी। इसके ऑयल में जो आपने कलर मिक्स किया था, वो कलर अब पानी के साथ मिक्स होने लगता है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कलरफुल रेन के नाम से जाना जाता है। नंबर 8 पर है फॉर्म इरप्शन। गाइस, आपने फॉर्म इरप्शन से रिलेटेड तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखा होगा, जैसे कोका कोला वर्सेस मेंटोस। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जितनी फॉर्म निकलती है, इससे कई गुना ज्यादा फॉर्म इस एक्सपेरिमेंट में निकलती है, जिस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बाथटब को लिया गया और फिर उसे जमीन में अच्छे से सेट कर दिया गया। उसके बाद इसी बाथटब के अंदर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करके इसे ऊपर तक भर दिया गया और फिर इस कोल्ड ड्रिंक के मिक्सचर के अंदर कलर्स को भी मिक्स कर दिया गया। इसके बाद एक बड़ी सी बाल्टी के अंदर बेकिंग सोडा और पानी को मिक्स करके और फिर इसमें मेंटोस की गोलियां डालकर हाथों से मिक्स कर लिया जाता है और फिर फाइनली बारी आती है इस मिक्सचर को बाथटब में डालने की। जैसे ही इस मिक्सचर को बाथटब के अंदर डाला जाता है, वैसे ही इसमें से इतनी सारी फॉर्म निकलने लगती है जैसे यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो गया हो और फिर इस फॉर्म के कुछ टुकड़े तो हवा में भी उड़ने लगते हैं। गाइस, ये एक्सपेरिमेंट देखकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। नंबर 7 पर है श्रेडिंग मशीन वर्सेस सिलेंडर। गाइस, श्रेडिंग मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डाल देते हैं तो ये मशीन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी श्रेडिंग मशीन के अंदर सिलेंडर को डाल दिया जाएगा? तो श्रेडिंग मशीन के अंदर सिलेंडर को डालने से पहले एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को डाला गया और कुछ ही सेकंड्स में श्रेडिंग मशीन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। ऐसे ही जब इन बड़ी श्रेडिंग मशीन के अंदर बड़े बड़े टायर्स को डाला जाता है, तो ये श्रेडिंग मशीन इन टायरों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और इन बड़ी श्रेडिंग मशीन का यूज बड़ी से बड़ी चीजों को काटने के लिए किया जाता है। ऐसे ही जब श्रेडिंग मशीन के अंदर सिलेंडर को डाला गया, तो ये श्रेडिंग मशीन इस सिलेंडर को कुछ इस तरह से काट देती है जैसे इसके लिए तो ये कोई कागज का टुकड़ा हो। नंबर 6 पर है कोका कोला रॉकेट। गाइस, आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखा होगा जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उल्टा करते हैं और वो बोतल रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाती है। ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद आप लोग सोचते भी होंगे कि भाई आखिर ये होता कैसे है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले बोतल के अंदर आपको गैस को डाल लेना है और फिर जैसे ही आप इस बोतल को उल्टा करेंगे, ये बोतल रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाएगी। वैसे गाइस, आप में से कौन कौन इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई करने वाला है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5 पर है एग एक्सपेरिमेंट। गाइस, जब कभी भी आप अंडे को पानी के अंदर फोड़ते हैं, तो अंडे के अंदर से जो येलो कलर का पार्ट निकल
निकलता है उसे आप अंडे के लिक्विड से बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह से पानी के अंदर अंडे को फोड़ लीजिए और फिर अंडे के चारों तरफ गोल गोल हाथ घुमाते रहिए, जिससे कि अंडे के अंदर से निकलने वाले इस येलो पार्ट के चारों तरफ जो लिक्विड जमा होता है वो इससे दूर हट जाए। और फिर ये करने के बाद आप अंडे के येलो पार्ट को बहुत ही आसानी से अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं। ये बिल्कुल एक बॉल की तरह हो जाता है। और फिर जैसे ही आप इसे पानी से बाहर लेके आते हैं और फिर इसे आप तेजी से हिलाते हैं तो ये फूट जाता है। नंबर 4 पर है ड्राई आइस वर्सेस हॉट वाटर। गाइस क्या होगा जब हॉट वाटर के अंदर ड्राई आइस को डाल दिया जाएगा, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल पानी गर्म कर लेना है और फिर आइस के टुकड़ों को कुछ इस तरह से ड्राई कर लेना है। और फिर जैसे ही आप इस ड्राई आइस को हॉट वाटर में डालते हैं तो इसके अंदर से कुछ इस तरह से धुआं निकलने लगता है जो कि कुछ ही देर में पूरे रूम में फैल जाता है। नंबर 3 पर है फ्लोटिंग ऑन द डेड सी। गाइस क्या आपने कभी ऐसे पानी को देखा है जिसके अंदर आप बिना हाथ पैर हिलाए आराम से तैर सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसे पानी में कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं डूबता है। तो इस पानी को घर बैठे मिस्टर इंडियन हैकर ने बनाकर दिखा दिया। सबसे पहले इन्होंने जमीन में एक स्विमिंग पूल को बनाया और फिर उस पूल को पानी से भर दिया। इसके बाद बारी थी इसी पानी के अंदर बहुत सारे नमक को मिलाने की। तो जैसे ही नमक को पानी के अंदर अच्छे से घोल दिया गया तो ये पानी भी बिल्कुल डेड सी जैसा ही बन जाता है। उसके बाद इस पानी के ऊपर जो भी व्यक्ति जाएगा उसे पानी के ऊपर तैरने के लिए हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो व्यक्ति पानी के ऊपर आसानी से तैर सकता है। लेकिन ऐसे पानी में सेफ्टी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अगर यही पानी आपकी आंखों में चला जाता है तो आपकी आंखों में बहुत ही तेजी से जलन होने लगेगी। नंबर 2 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस 100 टन वेट। गाइस किसी भी चीज के ऊपर जब 100 टन वजन डाला जाएगा तो उस चीज का तो चूरन बनना तय है। ऐसे ही जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इन छोटी छोटी मैग्नेट्स को मिलाकर एक बड़े से क्यूब को बनाकर रखा गया, उसके बाद जब इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से 100 टन वजन को डाला जाता है तो ये मैग्नेट कुछ इस तरह से टूटने लगती है और फिर ये सारी की सारी मैग्नेट पूरी तरह से टूट जाती है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है लावा वर्सेस क्लियर आइस। गाइस क्लियर आइस एक ऐसी आइस होती है जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कांच का टुकड़ा हो, क्योंकि इसके आर पार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं और इसे देखने पर लगता भी नहीं है कि ये कोई बर्फ का टुकड़ा है। तो जब इसी बर्फ के टुकड़े के ऊपर खोलते हुए लावा को डाला जाता है तो ये बर्फ तेजी से पिघलना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर के बाद लावा ठंडा हो जाता है और बर्फ में गहरा गड्ढा भी हो जाता है और फिर इस क्लियर आइस को आग के बीचों बीच डाल दिया जाता है। उसके बाद तो ये बर्फ इतनी तेजी से पिघलने लगता है मानो कि ये कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं कोई प्लास्टिक है। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और क्या आपने कभी इस कलरफुल रेन एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई किया है? अगर किया है तो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।